नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है और बहुत सारी वीरांगनाओं में से एक इनकी कहानी जो है वो अमर है। तो इससे पहले कि हम लोग रानी अवंतीबाई के बारे में जानकारी लेना या चर्चा करना शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक चैनल facebook.com/operinistic को भी जरूर लाइक करिएगा। तो आइए हम लोग आज जानते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। रानी अवंतीबाई एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर रही हैं जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रानी अवंतीबाई वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू प्रोटेक्ट हर किंगडम। इनके किंगडम पर ब्रिटिश की टेढ़ी निगाह थी, वो चाहते थे कि इनके राज्य को अपने राज्य में मिला लें और इस प्रकार से वो इनके राज्य को हड़प लें, लेकिन रानी अवंतीबाई को ये मंजूर नहीं था। तो आइए हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों ब्रिटिश ने सोचा और इसमें रानी अवंतीबाई का क्या रिएक्शन रहा। रानी अवंतीबाई लोधी क्वीन थी, लोधी महारानी थी। शी वॉज द लोधी क्वीन इन द एरिया विच इज़ नाउ इन मध्य प्रदेश। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड रानी अवंतीबाई लोधी। तो मंडला और आसपास के क्षेत्रों में इनका राज्य था। ये लोधी साम्राज्य की महारानी थी और इसलिए इनके नाम के साथ लोधी शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो इनका पूरा नाम इस प्रकार से हो जाता है, रानी अवंतीबाई लोधी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ और इन्होंने 20 मार्च 1858 को वीरगति प्राप्त की। शी वॉज बॉर्न ऑन 16 अगस्त 1831 एंड डाइड ऑन 20 मार्च 1858। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में इनका जन्म हुआ था और इनका विवाह हुआ था किंग विक्रमादित्य सिंह, किंग विक्रमादित्य सिंह जो कि रामगढ़ के महाराज थे और रामगढ़ का जो क्षेत्र था वो अभी करंटली जो है वो राजस्थान में अधिकतर जो क्षेत्र रामगढ़ का है वो राजस्थान में है। तो किंग विक्रमादित्य से इनकी शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था और किंग विक्रमादित्य सिंह जो थे वो एक बहुत ही पॉपुलर राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। तो 1851 में, 1851 की बात है, ब्रिटिशर्स ने राजा विक्रमादित्य सिंह को इनकेपेबल घोषित किया। उन्होंने ये घोषित कर दिया कि राजा विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो अपना राजकाज चलाने के काबिल नहीं हैं और इसलिए उनका राज्य जो है वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाए। ये जो था ये हड़प नीति जिसके द्वारा बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश ने अपने शासन में मिला लिया था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स कहते हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन को बनाया था, इस नीति को बनाया था। तो इसके गलत फ़ायदे उठाकर उन्होंने बहुत सारे राज्यों को अपने शासन में मिला लिया था। यही वो रामगढ़ के साथ करना चाहते थे। तो किंग विक्रमादित्य जो थे उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब रहने लग गई थी और इस वजह से ब्रिटिश ने ऐसा चार्ज लगाया कि किंग विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो राज्य को चला नहीं पा रहे हैं, शासन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इनकेपेबल हैं और इसी वजह से उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेना चाहिए। तो इन 1851 ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड किंग विक्रमादित्य सिंह इज इनकेपेबल टू रन द एम्पायर ड्यू टू इल हेल्थ एंड सिंस हिज सन्स वेयर माइनर द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू कैप्चर द एम्पायर। और दूसरा तर्क उनका क्या था कि इनके जो बच्चे हैं वो अभी माइनर हैं। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो हड़प नीति थी, वो कहती यही थी कि जहाँ पर राजा इनकेपेबल हो और उनके डायरेक्ट वारिस जो हैं वो इतने बड़े नहीं हों कि उनको राज्य दिया जा सके, वहाँ पे हड़प नीति ये लागू कर देते थे। यही चीज़ उन्होंने झांसी में किया, यही चीज़ उन्होंने अवध में किया, यही चीज़ उन्होंने सतारा में किया। तो बहुत सारे जगहों पर उन्होंने इस नीति का जो है गलत फ़ायदा उठाया और राज्य को अपने शासन में मिला लिया। यहाँ पर भी ये यही करना चाह रहे थे। तो इसमें अब अंग्रेज करते क्या, अंग्रेज सबसे पहले राजा विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने इनकेपेबल घोषित किया। अब बच्चे उनके छोटे थे तो इस वजह से ये घोषित कर देते कि बच्चे अभी राज्य संभालने के उम्र में नहीं हैं और वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते और उनका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कभी हटता ही नहीं है। तो ये पूरा प्लान था। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स,
द किंग वॉज नॉट फिट टू रूल द एम्पायर एंड हिज सन्स अमर सिंह एंड शेर सिंह वेर माइनर्स. तो दोनों बच्चे जो राजा विक्रमादित्य और अवंतीबाई के थे, अमर सिंह और शेर सिंह, वो भी माइनर थे, अभी नाबालिग थे. वन अवंतीबाई हर सेल्फ टुक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन दे डिक्लेयर्ड हर सेल्फ एज इलेजिटिमेट रूलर. तो जब राजा बीमार है, बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में रानी अवंतीबाई ने खुद चार्ज अपने हाथ में लिया और उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया. लेकिन अंग्रेजों को यह बात पची नहीं, उन्होंने रानी अवंतीबाई को इलेजिटिमेट, अनलॉफुल, जो कि कानून के विपरीत जिसको राजा बनाया हुआ, ऐसा राजा उन्होंने घोषित कर दिया. उन्होंने कह दिया कि हम अवंतीबाई को नहीं मानते, हम विक्रमादित्य सिंह को मानते थे और वो हैं बीमार, इस वजह से वो शासन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका शासन डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स के अंदर जाएगा. और ये सारी चीज़ें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स के अंतर्गत नहीं, ऑल दिस हैपेंड ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स. यूजिंग दिस लॉ दे हैड ऑक्यूपाइड वेरियस किंगडम्स ऑफ इंडिया एंड सेट अप देयर ओन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो इसी लॉ का गलत फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों में राजा को बेदखल कर दिया और अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था. तो 1851 में क्या हुआ, आफ्टर डिक्लेयरिंग अवंतीबाई एज इलेजिटिमेट रूलर द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर्ड रामगढ़ एज कोर्ट ऑफ वार्ड्स एंड अपॉइंटेड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटर. तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स उस जगह को, उस राज्य को, उस सीमाओं को अंग्रेज घोषित करते थे जहां पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देते थे. और 1851 में उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया और उस रामगढ़ के राज्य को उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स घोषित कर दिया. लेकिन अवंतीबाई इतनी आसानी से नहीं मानी, उन्होंने शी थ्रू आउट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिक्लेयर्ड वार्ड अगेंस्ट हिम. उन्होंने जो अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर बैठा था उसको भगा दिया वहाँ से और उसके खिलाफ जंग की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी. शी ऑल्सो सेंट मैसेजेस टू द रूलर्स ऑफ नेबरिंग किंगडम्स फॉर देयर सपोर्ट. तो आसपास के जितने भी राजा थे, जितने भी स्टेट्स थे, उन सभी को उन्होंने चिट्ठियां भी भेजी कि हमारी इसमें मदद करें, अंग्रेज हमारे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स का गलत इस्तेमाल करके हमारा राज्य छीन रहे हैं. दिस वार टर्न्ड इनटू अ रेवोल्यूशन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड इन 1857 द एंटायर नॉर्दर्न रीजन जॉइंड द आर्म्ड रेबिलियन. कुछ समय तक अगल बगल के राज्यों से अवंतीबाई को मदद नहीं मिली, लेकिन फिर उन्हें मदद भी मिली और इस बीच में इन्होंने अपने काफ़ी पराक्रम से एडमिनिस्ट्रेटर को बैठने नहीं दिया और धीरे धीरे ये आग जो है वो पूरे सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ये फैल गई. और 1857 में जो पहला अटेम्प्ट था, स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ, उसमें पूरा का पूरा नॉर्दर्न रीजन और अधिकतर सेंट्रल रीजन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा. When the revolt of 1857 started, she fought with an army of 4,000 soldiers led by herself and won the initial battle against the Britishers. तो ब्रिटिशर्स के को वहाँ से, पहले तो रामगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों से उनका प्रभाव समाप्त करना था और उनको वहाँ से भगाना था. तो जो इनिशियल बैटल था, जो पहली चढ़ाई थी जो रानी अवंतीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ की थी, उसमें 4,000 की सेना के साथ वो लड़ी थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था. और ये जो लड़ाई थी, इसे बैटल ऑफ खेरी भी कहते हैं, खेरी का युद्ध. द बैटल टुक प्लेस इन खेरी विलेज नियर मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. और खेरी का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंडला जिले में खेरी नाम के गांव में हुआ था. तो आफ्टर द डिफीट ब्रिटिशर्स केम बैक एंड लॉन्च्ड एन अटैक ऑन रामगढ़ हर स्टेट. तो खेरी के युद्ध के बाद अब रामगढ़ का युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स ने और गोले बारूद लाके और लोगों को लाके और ट्रेंड सेना को लाके इस बार रामगढ़ के ऊपर फुल फ्लैश हमला कर दिया. इस बार अवंतीबाई के पास सेना कम थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ समय पहले ही एक युद्ध हुआ था, उनके पास रिसोर्सेज कम थे, सेनाएं थकी हुई थी. तो इस तरह से रानी अवंतीबाई को सफलता नहीं मिल पाई और उन्हें अपना स्टेट छोड़ के जाना पड़ा. दिस टाइम अवंतीबाई हैड टू लीव द पैलेस and was forced to stay in the hills of Devharigarh for her safety. और उन्होंने देवहरीगढ़ नाम का जो पर्वत है वहाँ पे, वहाँ के जंगलों में जाके उन्होंने पनाह ली. तो अपना स्थान, अपना राज्य, अपना सिंहासन उन्हें छोड़ के जाना पड़ा. The British army set fire to Ramgarh and then turned to Devharigarh to attack the queen. लेकिन बहुत ही जल्दी अंग्रेजों को पता चल गया कि वे देवगढ़ के जंगलों में हैं और इस वजह से ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें
फाइंड आउट किया और रामगढ़ को पहले उन्होंने जलाया, रामगढ़ में उन्होंने जगह जगह पे आग लगा दी, बहुत उन्होंने नुकसान किया, और बाद में देवघरगढ़ की ओर गए जहाँ पे वो रानी को ढूंढने लगे। अवंतीबाई रिसोर्टेड टू गुरिल्ला वारफेयर। तो रानी अवंतीबाई क्या कर रही थी, गुरिल्ला वारफेयर का सहारा ले रही थी। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे और ये ग्रुप्स जो थे ये अंग्रेज अफसरों पर हमला कर रहे थे। इस तरह से कुछ हद तक तो ये सक्सेसफुल रहीं रानी अवंतीबाई, लेकिन इनके पास गुरिल्ला वारफेयर के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि फुल फ्लैश युद्ध करने के लिए इनके पास न सेना थी और न ही रिसोर्सेस थे। तो गुरिल्ला वारफेयर के बावजूद ब्रिटिशर्स हैड मोर पावर एज दे हैड अ लार्जर आर्मी विथ मशीन्स एंड गन्स। तो बहुत सारे मशीन्स थे अलग अलग तरह के, बहुत सारे गन्स थे उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, जिससे वो अवंतीबाई उनको हराने में असमर्थ हो रही थी। और इनके पास सेनाएं भी कम थी, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। शी फॉट फ्यूरियसली बट वेन शी रियलाइज दैट शी इज सराउंडेड ऑल ओवर एंड शी कैनॉट एस्केप शी डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हर लाइफ रादर दैन टू सरेंडर। और इसी प्रकार से ब्रिटिश सेना देवहरिगढ़ में पहुंची, वहां पर चारों तरफ से अवंती भाई को उन्होंने घेरा और उन्होंने गोले बारूद तोपों और अस्त्र शस्त्रों से, घोड़ों से, इन सब से उन्होंने अवंती भाई के ऊपर हमला किया। उनका उद्देश्य था कि अवंती भाई को पकड़ लिया जाए, लेकिन बहुत ही बहादुरी से अवंती भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। और जब एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है और अब उन्हें अंग्रेजों की कैद में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने अंग्रेजों की कैद में जाने से अच्छा, खुद को सरेंडर करने से अच्छा ये सोचा कि वो शहीद हो जाएं और वीरगति को प्राप्त हों। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को अपने ही तलवार से मार दिया। On 28th March 1858, she killed herself with her own sword and became a martyr. तो 28 मार्च 1858 फाइनल लड़ाई हुई जब उन्होंने खुद के ही तलवार से खुद को मार लिया और इस प्रकार से वह एक शहीद हो गई। रानी अवंतीबाई इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। रानी अवंतीबाई एक महिला होते हुए भी जो पराक्रम उन्होंने शो किया, जो पराक्रम उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिखाया, इस वजह से शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्हें बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें से एक हैं। शी इज़ कंपेयर्ड टू रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई एंड कित्तूर रानी चिन्नम्मा हु फॉट सिमिलर वार्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू डिफेंड देयर किंगडम। उनका स्थान रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई और कित्तूर रानी चिन्नम्मा के साथ रखा जाता है। रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई और कित्तूर रानी चिन्नम्मा के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने जिस तरह के पराक्रम, जिस तरह के अदम्य साहस का परिचय दिया था वो नॉर्मल व्यक्ति के, नॉर्मल किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। मैंने नॉर्मल से आगे जाके इन्होंने जो साहस का परिचय दिया था, इसीलिए इनको इतना सेलिब्रेट किया जाता है, इतना श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। और ख़ासतौर से ये तीनों महिलाएं होते हुए भी जिस तरह से इन्होंने पराक्रम शो किया वो सबके लिए एक सीख बन गई और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। तो रानी अवंतीबाई का नाम रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई और कित्तूर रानी चिन्नम्मा के साथ रखा जाता है। तो ये कहानी थी रानी अवंतीबाई की। आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, आपके कोई डाउट्स हो, आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में फिर से। नमस्कार।